हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूपी पाठशाला। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के इस लेक्चर में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ, जिसमें हम पढ़ लेते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की हम लगभग अभी तक 9 क्लास कर चुके हैं और जो आज की क्लास है ये हमारी 10वीं क्लास है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक का नाम है हमारा शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, और ये होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं और किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक का नाम लिखा हुआ है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक नंबर लिखा 2500। ठीक है, इसमें जो जीरोज हैं ये एक दो जीरो हैं। किधर से हैं? राइट साइड से। तो यही हमें निकालने होते हैं किसी भी सीरीज में। जैसे हमें कोई सीरीज गिवन होगी, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पाँच गुणा छः गुणा सात गुणा आठ और गुणा नौ। ठीक है, इस तरह की कोई सीरीज गिवन है हमें, इसमें हमसे पूछेगा कि राइट साइड से कितने जीरो होंगे। अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो राइट साइड से कितने जीरो आएंगे। ठीक है, और या पूछेगा दाएं से शून्यों की संख्या, दाएं से शून्यों की संख्या। ठीक है, ये पूछेगा हमसे। तो कैसे निकालेंगे और किस क्या कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 10 से 5 मिनट आपको कॉन्सेप्ट समझने में लगेंगे, तो 10 से 5 मिनट पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिए। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, चीज़ें आती कहाँ से हैं, कैसे जीरोज बनते हैं और हमें कैसे निकालने हैं। अगर किसी भी तरह की सीरीज आपको गिवन होगी उसमें आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे वो सब कुछ बताऊंगा मैं 5 से 10 मिनट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस सीरीज में, जो मैंने आपकी सीरीज लिखी हुई है ये 1 से लेकर 9 तक की सीरीज, अगर मैं इसमें बात करूं कि कितने जीरो आएंगे दाएं से राइट साइड से कितने जीरो आएंगे अगर इन सबकी मल्टीप्लाई कर दें तो। ठीक है, तो जीरोज को निकालने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि जीरो बनता किन किन नंबर से है। ठीक है, तो जीरो किन किन नंबर से बनता, अगर मैं मिनिमम नंबर की बात करूं कि एक जीरो बनने के लिए हमें कौन कौन से अंक की जरूरत होगी। एक जीरो कहाँ आता है, देखो 10 में एक जीरो आता है। ठीक है, 10 में एक जीरो आता है तो एक जीरो बनने के लिए हमें किस किस अंक की जरूरत होगी ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है 10 बनाने के लिए मुझे एक 2 की जरूरत होगी और एक 5 की जरूरत होगी। ठीक है, अगर मैं 2 और 5 की गुणा करूंगा तभी मेरे पास 0 आएगा, और किसी नंबर की गुणा करूंगा, अगर मैं 2 की गुणा 3 के साथ में कर दूं तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, 3 दूनी 6 आएगा। अगर मैं 2 की गुणा 7 के साथ में कर दूं तो 0 नहीं आएगा। 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन के बाद ही हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि एक 0 बनाने के लिए कम से कम हमें एक 2 की जरूरत होती है और कम से कम एक 2 की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आपसे 2 0 बनाने के लिए हमें कितने 2 की जरूरत होगी और कितने 5 की जरूरत होगी, तो 2 0 बनाने के लिए कम से कम हमें 2 2 की जरूरत होगी और 2 ही 5 की जरूरत होगी। ठीक है, 1 0 यहां से बनेगा और 1 0 इन दोनों की मल्टीप्लाई से बनेगा। तो आई थिंक ये भी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कितने जीरोज बनेंगे। ठीक है, अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो राइट साइड से कितने जीरो आएंगे कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ
टू और फाइव देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि किसकी संख्या कम है, दो की संख्या कम है या पांच की संख्या कम है। जिसकी भी संख्या कम होगी उसी उतने ही हमारे क्या होंगे, उतने ही हमारे जीरो होंगे। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे पांच कितने हैं, एक दो तीन चार, चार पांच हैं, लेकिन दो कितने हैं, एक दो। तो हमारे पास इस सीरीज की मल्टीप्लाई करने के बाद दो जीरो बनेंगे राइट साइड से, वो कितने बनेंगे, दो जीरो बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जीरो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आ जाएगा, एक जीरो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आ जाएगा, और तो कोई जीरो बनेगा नहीं हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं मैंने एक सीरीज लिख दी आपको, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच। अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर इस सीरीज की सबकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो इसमें कितने जीरो बनेंगे राइट साइड से, तो आप सभी का जवाब क्या आएगा। देखो इसमें मिनिमम संख्या में क्या है, मिनिमम संख्या में पांच है, एक दो तीन, तीन बार पांच है, जबकि दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच, पांच बार है। तो कम बार कौन है, कम बार हमारा पांच है, तो इसका मतलब इसके जो मल्टीप्लीकेशन आएगी उसमें जो जीरो आएंगे राइट साइड से वो कितने आएंगे, तीन जीरो आएंगे राइट साइड से। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि पांच और दो में जो भी कम बार आएगा उतने ही हमारे सीरीज में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई है आपको, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे आपके एग्जाम में वो देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, पहला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर एक, एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार डोट 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 गुणा दस में कितने जीरो होंगे राइट साइड से, दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं दाएं से शून्यों की संख्या देखूं, तो जो सीरीज है ये एक से लेके दस तक की कंटिन्यू सीरीज है। इस तरह की सीरीज में हम क्या करते हैं, इस तरह की सीरीज में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को देखते हैं क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है, दस। ठीक, अब देखेंगे एक से लेके दस तक की सीरीज में हमारी क्या ज्यादा बार आएगी, दो ज्यादा बार आएगा या पांच ज्यादा बार आएगा। तो देखो अगर मैं दो की बात करूं, एक से लेके दस तक की दो निकालने की बात करूं, दो निकालने की बात करूं कि एक से लेके दस तक की मल्टीप्लाई में कितने दो आएंगे, तो मैं लास्ट वाले नंबर को दो से डिवाइड करूंगा, दो से डिवाइड करूंगा, दो से कितनी बार जाएगा, पांच बार। ठीक है, अब दो से ये पांच डिवाइड हो सकता है, तो फिर पांच से डिवाइड, दो को पांच से, पांच को दो से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, दो दुनी चार। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को हमें देखना नहीं है, रिमाइंडर को छोड़ना है, हमें सिर्फ भागफल पे ध्यान देना है कि दो से कितनी बार पूरा पूरा कट रहा है। तो दो दो दी चार बार कट रहा है, एक रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर को हम छोड़ देंगे। अब ये फिर दो से कट जाएगा, दो बार, एक बार दो, दो से एक बार कटेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्या आई हमारी कितनी आ गई, एक पांच और दो सात, सात और एक आठ। ठीक है, तो आठ बार हमारे क्या आएंगे, दो आएंगे। एक से लेके दस तक की मल्टीप्लाई में कितने दो आएंगे, आठ दो आएंगे। अगर मैं पांच की बात करूं, अगर मैं पांच की बात करूं, तो दस को मैं क्या करूंगा, पांच से डिवाइड करूंगा, तो पांच दूनी दस। ठीक है, अब ये दो जो है पांच से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि पांच से कम है। इसका मतलब क्या है, एक से लेके दस तक की मल्टीप्लाई में कितने पांच आएंगे, सिर्फ दो पांच आएंगे। तो इसलिए अगर मैं जीरो निकालने की बात करूं राइट साइड से, दाएं से शून्य निकालने की बात करूं किसी भी सीरीज में, तो मैं देखूंगा कि कौन सा नंबर हमारा कम बार आ रहा है, दो कम बार आ रहा है या पांच कम बार आ रहा है। तो मैक्सिमम बार क्या होता है कि आपको किसी भी सीरीज में, अगर कोई कंटिन्यू सीरीज है, तो पांच से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो तो कई बार आ जाता है उसमें, मैनी टाइम्स दो आ जाता है, लेकिन पांच की संख्या जो होती है वो कम बार होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, पांच से डिवाइड करते हैं लास्ट नंबर को किसी भी सीरीज के। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब इसमें मैं जीरो निकालने की बात करूं, इसमें कैसे जीरो निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दस को पांच से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, पांच दूनी दस। अब देखो दो को तो हम पांच से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इस सीरीज में जो जीरो आएंगे हमारे, वो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे हमारे, दो दाएं से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं, इसी में बढ़ा देता हूं मैं सीरीज को। अगर मैंने ये सीरीज बढ़ा दी, और सीरीज क्या कर दी मैंने, डॉट डॉट डॉट
50 तक कर दे, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, लास्ट नंबर देखूंगा, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है 50, तो 50 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब देखो 5 से 10 को डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं। 10 से फिर 5 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि 2 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 50 तक की कंटिन्यू सीरीज में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितने जीरो आएंगे दाएं से, 12। कितने जीरो आएंगे, 12। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको दिया है 1×2×3×4×5×... 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में कितने जीरो आएंगे दाएं से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही करना हमें, लास्ट नंबर देखना क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। अब देखो 20 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो करो। 20 से 5 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5×20। अब देखो 4 को डिवाइड नहीं कर सकते हम 5 से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए दाएं से, 24, ठीक है। इस सीरीज में हमारे जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 24, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस और कर दूं, यहां पे मैं 100 की जगह क्या कर दूं, 500 कर दूं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो फिर वही करना आपको, क्या करना है, इस 500 को लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 100 बार जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा। उसके बाद 100 को डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। लेकिन अब 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, कितने आ जाएंगे, ये 124। इसका मतलब जो है, दाएं से कितने जीरो होंगे इस सीरीज में, 124 आंसर, ठीक है। आप इस तरीके की कंटिन्यू सीरीज में वो चाहे 500 तक जाए, 1000 तक जाए, 2000 तक जाए, आसानी से इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। और आपको मैंने बार बार बोला है कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए सभी के, ठीक है। अगर नोट्स बनाओगे तो बार बार रिविजन करोगे, जो चीजें समझ में आएंगी कैसे क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप आपका है सेकंड। आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, 2×4×6×80, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना राइट साइड से, दाएं से शून्यों की संख्या निकालनी है। अगर मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दूं तो दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है। अब देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सब क्या है, सम संख्याओं का सीरीज है। सम संख्याओं की क्या है, ये सीरीज है। तो सम संख्याओं की सीरीज है, अगर मैं बात करूं 1 से कंटिन्यू 80 तक की सीरीज होती है तो कितने नंबर्स होते सारे के सारे, कितनी टर्म्स होती, 80। लेकिन ये सम संख्याओं की सीरीज है तो इसमें कितनी संख्याएं, विषम संख्याएं तो होंगी नहीं इसमें, ठीक है। तो कितनी होंगी, ये 40 संख्याएं होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 80 तक 40 ही हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, और 40 ही हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 1 से लेके 80 तक कितनी सम संख्याएं होंगी हमारी, 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे। पहले हम क्या करते थे, 1 से लेके लगातार वाली सीरीज होती थी तो हम लास्ट नंबर को ले लेते थे, उसे 5 से डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने टर्म्स हैं हमारी, कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ, 40। अब हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, 8×5=40, 8 बार जाएगा। देखो 8 को हम फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार, 5×5, क्योंकि 5×2=10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रिमाइंडर हमें लेना नहीं है, रिमाइंडर को हमें छोड़कर चलना है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, ठीक है। तो इस सीरीज में जो जीरो आएंगे दाएं से हमारे, वो कितने आएंगे, 9। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगर मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ा दूं कहां तक, अगर मैं कर दूं 200 तक, ठीक है, तो कितने जीरो आएंगे भैया राइट साइड से, दाएं से कितने शून्य आएंगे निकाल लेते हैं। देखो अब इसमें कितने होंगे, लास्ट टर्म क्या 200 है, इसका मतलब क्या 100 टर्म्स होंगी इसमें, 100 ही विषम होंगी 100 ही सम होंगी, तो 100 ही सम होंगी तो क्या करेंगे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। अब 20 को क्या करेंगे फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने जीरो जाएंगे 24, ठीक है। तो इसमें इस सीरीज में जो दाएं से शून्य होंगे वो कितने होंगे 24 आंसर। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तथा बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप आपका टाइप थर्ड। अगर टाइप थर्ड की बात करें हम, टाइप थर्ड में क्वेश्चन बनेगा आपका 1 × 3 × 5 × 7 × …99। अगर मैं इसमें बात करूं कि दाएं से जीरो की संख्या कितनी होगी, दाएं से कितने जीरो आएंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो कितने जीरो आएंगे बताओ, कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूं, ये क्या है 1, 3, 5, 7, तो ये क्या है विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं की क्या है श्रृंखला है, ठीक है, विषम संख्याओं की क्या है श्रृंखला है। तो इस विषम संख्याओं की श्रृंखला है, इसका मतलब इसमें 2 तो आएगा नहीं कहीं भी, 2 नहीं आएगा कहीं भी। और मैंने आपसे बताया था कि एक जीरो, कम से कम एक जीरो बनाने के लिए हमें एक 2 की जरूरत होती है और एक 5 की जरूरत होती है। लेकिन जब इसमें 2 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं, तो जीरो कैसे बनेगा, जीरो नहीं बनने का है। इसका मतलब क्या है कि इसकी इस सीरीज में 1 से लेके 99 तक की सीरीज में दाएं से कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 2 की पावर 2 से, अगर मैं 2 की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं पूछूं कि इसमें अब कितने जीरो होंगे भैया, देखो अब कितने जीरो होंगे, देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है, 5 तो इसमें कई बार आएगा, 1 यहां आ गया, 10 में भी आएगा, उसके बाद आगे भी आएगा, 5 तो कई बार आएगा इस श्रृंखला में, लेकिन 2 कितनी बार आया, सिर्फ 2 बार आया है, मैंने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में दाएं से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में बात आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, अगर मैं इसी संख्या को, इसी श्रृंखला को इस तरीके से लिख दूं, मैंने कर दिया यहां पे 8, ठीक है, अब कितने होंगे जीरो, तो सिंपल है यार, पहले कितने थे 2, यहां 8 में कितने 2 होंगे, 8 में कितने 2 होंगे, 3 2 होंगे, ठीक है, 5 तो इसमें कई होंगे, तो इसका मतलब क्या, अब इसमें कितने शून्य होंगे दाएं से, 3 शून्य होंगे आंसर। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे दे, चलिए देख लेते हैं। मैंने लिखा 1 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × …20 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं 1 × 2 × 3 × …20 तक की संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में दाएं से शून्यों की बात करूं कितने शून्य होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो 20 को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो 4 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 20 तक की मल्टीप्लीकेशन में दाएं से जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, वो 4 होंगे, ठीक है, कितने शून्य होंगे 4 होंगे।
अब यहाँ पे मुझे क्या दिया है कि एक का स्क्वायर कर दिया, दो का स्क्वायर कर दिया, तीन का स्क्वायर कर दिया, डॉट 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 कितना कर दिया ये 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इस तरह की सीरीज जहां भी दिखाई दे जाए आपको क्या करना है, देखो एक से लेके बीस तक निकालो, लास्ट नंबर लो, उसे 5 से डिवाइड करो, कितने आगे 4 आगे, मतलब 20 लास्ट है तो 20 को डिवाइड किया 5 से, कितने आगे 4 जीरो आगे लास्ट में। अब 4 को क्या करना है आपको, जितनी पावर है उससे क्या करना है, गुणा करना है। पावर कितनी है 2 की, ये सभी की 2 से कर देंगे गुणा, तो कितना जाएगा 8। तो इस श्रृंखला में दाएं से जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे इसी क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख दूं, दूसरा क्वेश्चन देख लो, अगर मैं बात करूं 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब डॉट 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 20 की क्यूब। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं अब कितने इसमें जीरो होंगे भैया दाएं से, तो सिंपल है, क्या करना है 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन में दाएं से कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। अब 4 में क्या करना है, जितनी भी पावर है उससे क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। पावर कितनी है 3, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और आसान भी लग रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से लिख दूं, 1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा डॉट 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 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितने होंगे, देखो अभी हमने 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में जीरो की संख्या निकाली थी, कितनी आई थी, देखो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में जीरो की संख्या निकालेंगे तो 100 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। अब 20 को देखो 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितने आ गए जीरो की संख्या दाएं से 24। ठीक है, 24 आ गए, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन में दाएं से तो जीरो आएंगे, वो कितने आएंगे 24 आएंगे। और पावर कितनी है भैया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 48 जीरो। ठीक है आंसर, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगर मैं आगे एक क्वेश्चन और लिख दूं आपको, क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 50 का क्यूब। इसमें मैंने पूछा कि आपको क्या बताना है, जीरो की संख्या बतानी है, दाएं से जीरो की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 50 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा। अब देखो 10 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 10 डिवाइड हो जाएगा 5 से कितनी बार 2 बार, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितने जीरो आ गए भैया 12। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें हम तो 12 जीरो आएंगे दाएं से। पावर कितनी है यहाँ पे, देखो 12 पावर कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 12 3 36 शून्य। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट कर दिया करो यार अच्छे से अच्छे। ठीक है, और जो डाउट हो वो भी डाउट भी पूछ लिया करो कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।